तो हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बंदे बिल्कुल बढ़िया होंगे यार, एकदम मस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस देखो यार, बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन रहता है कि अबे भाई जब मैं शॉर्ट्स डालता हूँ उसमें मैं दिखा भी देता हूँ, फिर भी बंदे लोग बोलते हैं भाई तुम ग्रैंड मास्टर पे नहीं हो। तो भाई तुम लोग अब फुल वीडियो ही देख लो, देख लो तुमको जिंदा दिखा देता हूँ मैं, जिंदा चीज़ें। देखो यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ये एडिटिंग भी नहीं है कि तुमको लगे कि भाई एडिटिंग इतनी खतर, ऐसी एडिटिंग तो कोई कर भी नहीं सकता। मेरे को तो इतनी ज़्यादा एडिटिंग आती भी नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा एडिटिंग कर लूँ। और यहाँ पे आप लोग मेरा केडी देख सकते हो, 11 का केडी है, 11 का केडी। भाई बंदे लोगों का 4 का केडी कर रहे हैं, फटके हाथ में आ जाती है, और मेरा केडी 11 का, मतलब समझ सकते हो किस लेवल का रसर हूँ मैं, किस लेवल का प्लेयर हूँ मैं। तो आप लोग खुद, और कुछ लोग बोलते हैं कि बैटल रॉयल खेल के वीडियो डालते हो, भाई देख लो क्लासिक में मेरा 0 गेम्स है इस सीज़न का, मतलब मैंने खेला ही नहीं है क्लासिक, तो मैं क्लासिक कहाँ से डालूंगा भाई, कैसे डाल दूंगा मैं क्लासिक गेम प्ले, बताओ। एक भी गेम नहीं खेला मैंने क्लासिक में। तो गाइस आज आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, आप लोग उसको एंजॉय करो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वो भी ग्रैंड मास्टर लॉबी का डुओ गेम प्ले है, डुओ वर्सेस डुओ हम लोग खेल रहे थे, मैं और मेरा एक टीम मेट। तो आप लोग देखो, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, एंजॉय करो आप लोग। चलो गाइस यहाँ पे तुम्हारा भाई उतर रहा है पीक पे, जैसा कि अपन लोग हमेशा ही उतरते हैं। देखो भाई अगर आप लोग रसर हो तो आपको पीक पे तो उतरना ही पड़ेगा ना भाई, वैसे अपन भी उतरेंगे। और देखो भाई मेरे को उतरते ही मिली कौन सी गन है, M10, जो कि मैं बहुत ही खतरनाक चलाता हूँ, तुम लोग को पता ही होगा। तो चलो भाई यहाँ से अपन लोग लूटपाट करते हैं और चलते हैं बंदों को मारने की तरफ। देखो यहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरे हैं, जैसा कि हमेशा ही उतरते हैं, क्योंकि पीक एक बहुत ही खतरनाक बंदा है और सामने बंदा है। ये लो भाई, इसको मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया, कन्फर्म भी कर लिया इसको, और यहाँ पे मेरा पहला किल आ चुका है। और अभी यहाँ पर और भी बंदे हैं, तो अपन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन मरे तो भाई सीधा सीधा पता है कितने मारने से लगेगा, 46 का, और प्लस होता है सारा 30 मीटर, सामने भी एक बंदा है भाई। ये होती है अखंड लेवल की किल चोरी करना, एक गोली मार के किल लेना, मज़ा ही आ जाता है भाई। और मेरे हाथ में फार्मर है, सामने एक बंदा भागते हुए जा रहा है, ये लो भाई, इसको काफ़ी अच्छा हेडशॉट पड़ा है। अब इसको कन्फर्म भी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर AUG है, मैं AUG उठा लेता हूँ। देखो ऊपर एक बंदा है यहाँ पर पीक के ऊपर, वो मेरे को काफ़ी देर से परेशान कर रहा है, मेरे को और मेरे टीममेट को भी काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ उसको, ये परेशान पे परेशान किया जा रहा है भाई। और यहाँ पे गाड़ी से कुछ बंदे आ चुके हैं, 2 बंदे आ चुके हैं, एक बंदे को मैंने डाउन कर दिया, एक बंदा पास में ही घुस गया है। ये रहा, रुको भाई, इसको भी अपन लोग नीचे चल के मारते हैं। ओके मेरे टीममेट ने इसको निपटा दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। बट ऊपर वाला अभी भी बक्चोदी पहले जा रहा है, ये लो इसको फिर से हेडशॉट पड़ा 1-7 का। अब वो कुछ देर तक तो शांति रहेगा, कुछ देर के लिए बाहर नहीं आएगा, बट मुझे लगता है कि इसको छोड़ के हमें निकलना चाहिए यहाँ से। अपन लोग चलते हैं यहाँ से भीमा शक्ति की तरफ। ओके यहाँ पे एक बंदा आ चुका है भीमा शक्ति से जिपलाइन लेके। ओके इसको तो मैंने डाउन कर दिया, एक बंदा नीचे भी है, कोरोना लगा दिया है मैंने ताकि मेरे को डैमेज ना पड़े। अभी अपन लोग उसके ऊपर रश करके उसे मारते हैं, गाड़ी से उड़ा दूंगा साले तेरे को मैं। ये लो भाई उड़ा दिया, अबे किल चोर साले टीममेट्स, किल चोर टीममेट्स हैं भाई मेरे। यहाँ पे एक बंदे को मेरे टीममेट ने डाउन कर दिया है, और एक बंदे ने मेरे टीममेट को डाउन कर दिया और मैंने उसको भी निपटा दिया। अभी अपन लोग अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं, और यहाँ पे देखो गाइस मेरे यहाँ पे 6 किल्स हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे अपन लोग इसको फोड़ते हैं, पीछे के साइड से बंदे आ रहे हैं, एक बंदे को मैंने यहाँ पे हेडशॉट मार के डाउन कर दिया, एक और बंदा आ रहा था उसको मैंने हेडशॉट मार के डाउन कर दिया, वो डाउन हुआ। अच्छा उसके पास इंजेक्शन है, इंजेक्शन मार रहा है ये लो, इसकी पूरी टीम वाइप आउट हो गई। यहाँ पे अपने 8 किल हो चुके थे, बट यहाँ पे मेरे को आता है फुट स्टेप। यहाँ पे देखो घर के अंदर एक बंदा था, मेरे को लगा एक ही बंदा है, मैं इसका लाइट जला देता हूँ और इसको डाउन भी कर देता हूँ। बट यहाँ पे अंदर एक और बंदा था जो कि वेट करके बैठा था, इसको मैंने M10 पूरी भर दी भाई। M10 हो तो डरने की क्या बात है भाई, बॉडी बॉडी भर दो। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वेंडिंग मशीन के पास, और सामने के साइड पे एक बंदा है जिसको मैंने ओनली भाई क्या मस्त हेडशॉट पड़े यार। और यहाँ पे तुम्हारे भाई के 11 किल्स हो चुके हैं, 11 किल्स डुओ में बहुत ही कम बंदे मिलते हैं, और डुओ में 11 किल्स हो चुके हैं, अभी तो और भी किल करने बाकी है भाई। और आप लोग कमेंट करके बताओ ग्रैंड मास्टर लॉबी से आपका मैक्सिमम किल कितना है। मेरा तो भाई साहब शायद 20-20 है, उस टाइम पर मैंने शायद वीडियो भी नहीं बनाया था। इसको अपन लोग पहले मारते हैं, रुको भाई रश करके इसे मारना पड़ेगा। अरे वाह ये भाई कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट नहीं दिखा रहे हो तुम, ये लो भाई ये टपक गया। चलो अभी यहाँ पे अपने 12 किल्स हो चुके हैं, और अभी आप उठाते हैं अपना मोस्टर और चलते हैं बंदों को ढूंढने की तरफ। बंदे सिर्फ और सिर्फ 6 ही बचे हैं, हमारे अलावा 2 डुओ हो सकते हैं। सामने एक बंदा है, रुको इसको टपकाते, गाड़ी से उड़ा दूंगा, नहीं उड़ा पाया मैं। अब M10 सीधा भर देते हैं भाई, ये लो। और कुछ लोग बोल रहे हैं भाई आप हेडशॉट क्यों नहीं मार रहे हो, भाई हेडशॉट मार रहा हूँ AUG से, और M10 सीधा भर रहा हूँ मैं। भाई देखो अपन को किल करने से मतलब है, M10 से भी मिल जाता है तो भी ठीक है भाई, शॉर्ट रेंज में मैं M10 ही चलाता हूँ ज़्यादातर, और MP40 मिल गई तो हेडशॉट तो मारता ही मारता हूँ। सामने एक बंदा है, रुको पहले इसको निपटाते हैं। चलो इसको शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारेंगे, वो भी AUG, ये लो भाई हेडशॉट। और एक और बंदा था जिसको मेरे टीममेट ने मार के बोया करवा दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ग्रैंड मास्टर लॉबी पे भाई 14 किल कर दिए मैंने, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भूलना।